नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों व पुलिस के बीच भयंकर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पेट्रोल पंप कैशियर को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 15 मिनट तक पुलिस व बदमाशों के बीच जमकर गोलियां चली। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अपहरण के वांछित बदमाश का पीछा करते हुए जींद पुलिस रेवाड़ी तक पहुंच गई। ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार करीब 6 बदमाशों को दिल्ली जयपुर हाईवे पर खेड़ा बॉर्डर के पास पुलिस ने बदमाशों को घेर लिया। इस दौरान करीब 15 मिनट तक बदमाशों व पुलिस के बीच जमकर फायरिंग हुई। बताया जा रहा है कि बदमाश 3 पेट्रोल पंप की ओर भागे। गोलियों की आवाज सुनकर एक पेट्रोल पंप कैशियर बाहर आया तो उसके सिर में भी गोली लग गई। घायल पेट्रोल पंप कैशियर रेवाड़ी के गांव जीतपुरा निवासी बताया जा रहा है। वारदात को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान आने के बाद ही मुठभेड़ के असल कारणों का पता चल सकेगा। लेकिन इतना जरूर है, रविवार सुबह करीब 4:45 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे गोलियों की गूंज से दहल उठा। वहीं आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि रेवाड़ी में जिस तरह से एक के बाद एक वारदात सामने आ रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा सतीश यादव, किस तरह से पूरा मामला, जिससे पुलिस मुठभेड़ हुई, क्या पूरा मामला था? मामला सर, आगे पीछे से कोई बदमाश लोग आ रहे थे, उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी जी। और उन्होंने अपने खेड़े बिरेल तेजू सर्विस स्टेशन के सामने पहुंच करके पुलिस ने उनके गाड़ी के टायर पंचर करके उनके आमने सामने मुठभेड़ हो गई जी। तो जबरदस्त फायरिंग हुई काफ़ी देर तक, और हमारा जो कैशियर था वो अंदर ऑफिस में अपने काम पे बैठा हुआ था जी। वो जैसे ही उसने सोचा कि एक्सीडेंट हो गया, वो बाहर की तरफ निकल के आया तो सीधी उसके सर में गोली लगी जी। जी, तो अभी क्या कैसी स्थिति है जी? अभी स्थिति देखो जी, अभी रोकथाम आए हैं, अभी तो क्लियर नहीं कह सकते, बाकी फिलहाल तो दिक्कत ही है। किस टाइम की वारदात है ये? सुबह लगभग 4:45 बजे के आसपास की। अच्छा, कितनी फायरिंग हुई है? काफ़ी लोग थे, प्रशासन भी पूरा था और वो लोग भी थे, वो भागने में कामयाब हो गए वहाँ से। अब रेवाड़ी पुलिस से आपकी बात होगी, तो इनका क्या कहना है? उनका कहना है भाई, मरीज के साथ हम खड़े हैं और किसी प्रकार की इनको दिक्कत ना आए, कहीं भी शिफ्ट कराएं या कहीं भी ले जाएं, प्रशासन पूरी तरह इनके साथ। अच्छा, गोली पुलिस की लगी है, बदमाशों की लगी है? कुछ सर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी हमें नहीं पता। सही बात है, पुलिस ही अपनी PCR से इनको बावल लेके आई, बावल से हम यहाँ रेफर करके यहाँ लिया है सौराजी।